गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्रुति और आज के वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ डिफरेंट वेज ऑफ वेयरिंग साड़ी एंड लहंगा। और इसमें मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि अगर आपको कोई भी फंक्शन होता है हम बिल्कुल भारी भारी चीज़ें नहीं पहन सकते, तो हम मेनली यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रॉप टॉप का। एंड आई विल शो यू कि हाउ इट कैन बी टर्न आउट। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रॉप टॉप का यूज़ किया है मेरी साड़ी के साथ, और ये डेली ऑफिस लुक है। इसमें मैंने पोनी की है और मैंने कोई मेकअप नहीं किया ऐसा, और ना ही मैंने कोई ज्वेलरी यूज़ किया है। सो दैट्स इट। यहाँ पे सेम मैंने क्रॉप टॉप का यूज़ किया है एंड मैंने अपने पल्ले को नॉट भी किया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट की साड़ी के साथ हमने क्रॉप टॉप का यूज़ किया है। कई बार हमारे ब्लाउज बहुत हैवी होते हैं जो कि लुक पे जाते नहीं हैं, ओकेशन में नहीं जाते हैं, सो हम क्रॉप टॉप को ईजिली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लहंगे के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे लहंगे बहुत हैवी होते हैं और वो कुछ ओकेशन में हम बस पहन पाते हैं, बट अगर हम ऐसे क्रॉप टॉप का यूज़ करके उसको कोई भी कैजुअल ओकेशन में भी आराम से पहन सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉप टॉप के साथ डेनिम जैकेट का यूज़ किया है। कई बार हमारा दुपट्टा बहुत हैवी होता है और हम उसे संभालना प्रेफर नहीं करते हैं, सो आप डेनिम जैकेट को ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने लहंगे के साथ शर्ट का यूज़ किया है। अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल प्लेन शर्ट है और इसको हमने सिर्फ नॉर्मली बीच में कंगन या कोई भी आप कंगन यूज़ कर सकते हो और उसको ऐसे प्लेस कर सकते हो, तो ये काफ़ी डिफरेंट लुक आपको देगा। दैट्स इट। So guys, this is it for the video. Hope you guys like that video and also found it helpful. And if you like it, please like, subscribe and share. Bye bye.